अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हूँ, कोई एक भी नहीं जीते। रुको जरा, कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मजा आया। इंडिया हमें हमारा दुश्मन है, हम मैं तो नहीं समझता कि इंडिया हमारा, मैं भी नहीं समझती। अच्छा देख लें, इंडिया में देखें कारों की कीमत प्राइस चेक कर लें, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत सर, मैं ये बता दूं यहाँ पे जो कल्टस और ये वैगनार जो यहाँ पर 35-36 लाख की है, इंडिया में यही गाड़ियाँ 2.5-3 लाख की, आप फर्क देख लें, सेम कंपनी सेम ब्रांड सेम गाड़ियाँ। मैं बात तो नहीं खुल के कर सकता ना ही मुझे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रेट में है जी, बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट ही नहीं है मेरे पास मैं बात करूं। क्या इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है, वो सब इंडिया करवा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में, मैं हूं शैलेश। दोस्तों आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे सीधा सा सवाल कि कश्मीर किसका है, तो वो सीधे बोलेगा कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन आज जो ये पाकिस्तानी है इसका जवाब कुछ और है, इसका जवाब सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है, तो चलिए वीडियो को पहले देखते हैं। ईरान इंडिया से हाथ मिला रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज जो है उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा मैं बात करूं अगर ईरान की और पाकिस्तान की और इंडिया की, बिल्कुल जबरदस्त, अगर इंडिया और ईरान को मैं देखूं तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा क्या दुश्मन बाप है। आपने तो बात ही खत्म कर दी, क्या बात है। यहाँ पे जैसे एक सवाल आपने कहा कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, अगर इंडिया को किसी इस्लामी मुल्क से दुश्मनी होती तो वो फिर सबका दुश्मन होता। सऊदी अरब इंडिया जा रहा है, मक्का मुकरमा में वो लोग जा रहे हैं, यूएई में बैठ रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, इराक देख लें, मिस्र देख लें, ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहां पर इंडिया ने कदम ना रखा हो। आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है कि वो दुश्मन हैं, वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज है हम पे उल्टा पड़ गई है। जी देखिए इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही है। हाँ पाक स्टडी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हूँ, कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना कश्मीर है, कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने कश्मीर सेल किया हुआ है, हमने सेल किया हुआ है कश्मीर, ये सेल किया हुआ है। अगर गिलगित को भी देखा जाए जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे, अगर देखा जाए ये भी उनका है। लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता, लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा, ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, अगर देखा जाए इंडिया हमें हमारा दुश्मन है, मैं तो नहीं समझता कि इंडिया हमारा, मैं भी नहीं समझती। अगर देखें हमारा तो एक मसला है ना कश्मीर का, उधर चाइना का देख लें, 17 ऐसे इलाके हैं जिनके साथ उनका मसला है, मुतनाज़े इलाके हैं चाइना और इंडिया के। अच्छा फिर भी उनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो चाइना की वो हिंदुस्तान के साथ है, यानी जो भी मुल्क है वो अपने इकोनॉमिक देखता है ना कि वो अपने जो जो उसके लीडरशिप है वो कह रही हो एक रेड लाइन के पीछे, एक रेड लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि हमारा इंडिया दुश्मन है। मैं नहीं कहता, उधर इधर देख लें, इधर की हालत देख लें, इंडिया में देखें कारों की कीमत प्राइस चेक कर लें, वो बहुत अच्छी है, वो भी बहुत सर, मैं ये बता दूं यहाँ पे जो कल्टस और ये वैगनार जो यहाँ पर 35-36 लाख की है, इंडिया में यही गाड़ियाँ 2.5-3 लाख की, आप फर्क देख लें, सेम कंपनी सेम ब्रांड सेम गाड़ियाँ। यानी ये क्यों ऐसा है, हमारे जो जितनी भी इलीट क्लास है 1% है, 99% को वो ठीक नहीं होने देती, वो कहती है कि हमारा जो निज़ाम तालीम देख लें, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाया इस तरह से जाता है कि वो भाई ऊंची आवाज़ में बात भी ना कर सकें। तो मैं नहीं कहता कि हमारा ये मुल्क ठीक होगा और हमें ना ही किसी को निशाना बनाना चाहिए। सर, लेकिन तो छोड़े, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात है वो भी दुश्मनी पे उतर आए हैं। नहीं, वो दुश्मनी पे नहीं उतरे, ना ही ईरान हमारा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ईरान ने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले तो हाँ। ये बात हमको मद्देनजर रखनी चाहिए। लेकिन ये आप नहीं जानते, ये और मसाइल हैं, शायद हो सकता है कि हमारे जो अंदरूनी जो भी हैं या
वो मिलके, मैं बात तो नहीं खुल के कर सकता ना ही मुझे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रेट में है जी, बिल्कुल नहीं, हाँ। फंडामेंटल राइट ही नहीं है मेरे पास मैं बात करूं, लेकिन बात है, हो सकता है कि अफसोस की बात है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर हर शहरी ये बोलता है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाँ फंडा, मैं खुल के बात करूंगा, मुझे एक बात का जवाब दे दें, ये डाटा बंद करना, फेसबुक, ये सोशल मीडिया बंद करना क्या है, गलत है, हमारा गलत है जी। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट ही ना हो तो फिर हमने आगे क्या बात करनी है। तो ये कोई ईरान ने जो हमला किया है, ये कोई वो दुश्मन नहीं है हमारे, उन्होंने किया है, और ना कि हम उनके रिएक्ट करें कि भाई वो हमारा दुश्मन है, हम पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लें। मैं कहता हूँ ये फजूल है, ये बहुत बड़ी गेमें हैं, और हम जो छोटे लेवल के लोग हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, मतलब अमन का पैगाम देना हाँ, चाहिए। मैं अमन का पैगाम दूंगा। और जब इंडिया से पूछा गया इसी मैटर के ऊपर कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों कंट्रीज का आपस का मैटर है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि दहशतगर्दी पर जी इंडिया जीरो टॉलरेंस दिखाएगा। इस बयानिए पे आप क्या क्या रद्द अमल है? इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान के, ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है, और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है, वो सब इंडिया करवा रहा है। और सर, अगर इंडिया करवा रहा है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होते, फिर जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। ये तो जाहरी तौर पर नज़र आ रहा था प्राइम ऑफिशियल के ये काम हो रहा है, लेकिन अब इसके एविडेंस, सीक्रेट मिशन की एविडेंस कहाँ पे सामने आएगी? और बाकी रहेगी बात जो उनकी माशी जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी वो अपनी बेहतर कर रहे हैं। हमारे अंदर ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन है, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है, तो हमारी पॉलिसी कहाँ पे होगी, कहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हमारे होंगे? और बाकी बात जो है अमेरिका की गोद से उठेंगे तो कुछ होगा, अमेरिका की गोद से उठना पड़ेगा। अगर मुल्क आज़ाद है तो आज़ादी के साथ आगे बढ़ो ना, हमारी तो पॉलिसीज, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कश्मीर का मैटर सब अमेरिका ही हैंडल कर रहा है, तो अमेरिका पार्ट टू इसको क्यों नहीं बना लेते? मेरे ख्याल में तो यहाँ पे डॉलर चल जाना चाहिए, 5,000 की विकत जो है 500 रुपए की हो गई है, अमेरिका की गवर्नमेंट ही आ जाना चाहिए यहाँ पे, डॉलर चले वहाँ के हालात तो ठीक हो, ताकि सबकी जान, सबकी जान छूटे। दोस्तों, हर पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस भाई ने लॉजिक के साथ बोला, बिल्कुल फैक्ट के साथ बोला कि जब महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया था और सारे जो कागजात हैं वो इंडिया के पास हैं, तो कश्मीर पाकिस्तान का कैसे हो गया? बिल्कुल एकदम फैक्ट, सही बात बोली है इसने। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी से आप पूछोगे कि कश्मीर किसका है तो वो फैक्ट पे बात नहीं करेगा, वो सीधे बोलेगा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। दूसरे वाले भाई ने बोला ये सब जो है ना इंडिया करवा रहा है, कभी वो अफ़गानिस्तान को आगे कर देता है तो कभी ईरान को आगे कर देता है, यानी कि ईरान के ज़रिए जो है इंडिया ही हमला करवा रहा है। आतंकवादी तुम पालो, आतंकवाद तुम फैलाओ, और अगर कोई उस पर को आतंकवादियों को मारने के लिए हमला करे तो उसको मतलब कि इंडिया ही करवा रहा है। मतलब ये लोग बिना सोचे समझे जो है ना सारा इल्ज़ाम इंडिया पे लगा देते हैं। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।